अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अंजुम का किचन। आज हम बनाएंगे हॉट चॉकलेट, जो कि सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। चलिए स्टार्ट करें। आते हैं, यहाँ पे हमने एक बड़ा बॉल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून शक्कर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और इसमें डालेंगे 250 ml दूध, जो कि हल्का गर्म है। सारी चीजों को हमने बॉल में ऐड कर दिया है, अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने कॉलेट डार्क कंपाउंड इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का डार्क कंपाउंड यूज कर सकते हैं, मार्केट में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम इसको रफली चॉप करेंगे चॉपर पे। यहाँ पे हमने 125 ग्राम हॉट डार्क चॉकलेट लिया है, अब इसको रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, चॉकलेट अच्छे से चॉप हो चुकी है। यहाँ फ्लेम पे हमने एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें 250 ml दूध और डालेंगे। पूरा मिला के हमारा 500 ml दूध हो चुका है। हमने जो मिक्सर तैयार किया था ये भी इसमें ऐड कर देंगे दूध में। इसे स्टर करेंगे। थोड़ा पक जाएगा फिर इसमें हम चॉप की हुई चॉकलेट डालेंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई चॉकलेट भी ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक लगातार स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी आ गई है। देखिए, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। देखिए, और चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, थिकनेस बस इतनी ही रखना है। अभी ये रेडी हो चुका है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। क्रीम डालेंगे। हम डार्क कंपाउंड से इसको गार्निश करेंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ डार्क कंपाउंड से ही गार्निश कर लीजिए।